स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 में देखिए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. देखिए इस तरीके से ये डायग्राम होगा, ये हम ए पॉइंट मान रहे हैं, ये बी पॉइंट मान रहे हैं, ये बेस है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसकी जो लेंथ है जो दी हुई है ए बी, ये 2a दी हुई है और ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे. इसलिए देख लीजिए ये जो लेंथ होगी ए ओ ये a के बराबर होगी और ये वाली लेंथ बी ओ ये भी a के बराबर होगी. हमको क्या निकालना है, ए बी और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड 2a है, ये भी 2a हो जाएगी, ये भी 2a हो जाएगी और ये पॉइंट सपोज P है, ये इसका तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा. हमको A, B और P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ये वाला ट्रायंगल बन गया A, B, P. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये पॉइंट P, सपोज P डैश है, ये दूसरी साइड में हो, यहाँ पे नेगेटिव X एक्सिस की तरफ हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बनने की. तो हमको A, B, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और A, B, P डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो यहाँ पे दो ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ट्रायंगल ए बी एंड पी. ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देखिए ओए डिस्टेंस दिया हुआ है, ए मींस वाई की वैल्यू ए दी है, वाई एक्सिस पे है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरो हो जाएगा, तो जीरो कॉमा ए. इसी तरीके से बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कॉमा माइनस ए, तो ये पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए. अब हमको पी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अब देखिए यहाँ पे ए ओ पी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें साइड ए पता है, ये टू ए पता है, तो ओ पी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मींस टू ए स्क्वायर. टू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ये जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ए रूट थ्री. तो इस तरीके से देखिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस a रूट थ्री है, तो P हो जाएगा a रूट थ्री और ये x एक्सिस पे यानी कि y कोऑर्डिनेट जीरो होगा. इसी तरीके से देखिए P डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस a रूट थ्री है, ये भी डिस्टेंस a रूट थ्री होगी, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, माइनस x की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस a रूट थ्री कॉमा जीरो जो कि x एक्सिस पे है. इस तरीके से ट्रायंगल ए बी पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा माइनस ए एंड माइनस ए रूट थ्री कॉमा जीरो. थर्ड प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन एंड क्यू पॉइंट दिया है एक्स टू वाई टू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. पहले केस में वाई एक्सिस के पैरेलल है, दूसरे केस में क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरे केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो पहला केस अगर हम देखें, पहला केस क्या होगा, ये इस तरीके से लाइन हो जाएगी. सपोज ये P पॉइंट है, ये दिया है x1 y1 कोऑर्डिनेट्स और ये सपोज Q पॉइंट है, ये दिया है x2 y2. तो यहाँ पे देखिए जब ये y एक्सिस के पैरेलल है तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ पे इस लाइन पर, तो इसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट इसके सेम होंगे यानी कि पहले केस में x1 equals x2 हो जाएगा. अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम देखें, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. तो ये टर्म क्या हो जाएगा, चूंकि x1 x2 के बराबर है ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू. जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, चूंकि डिस्टेंस पूछी है, अगर वाई वन वाई टू से बड़ा है तो डिस्टेंस हो जाएगी वाई वन माइनस वाई टू, अदरवाइज हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू. इसी तरीके से देखिए अगर लाइन पी क्यू है, सपोज ये पॉइंट पी है, ये सपोज क्यू है, ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो है कोई भी पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे इस लाइन पे, यहाँ पे देखिए हर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, हर पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो इन PQ के लिए भी y1 equals y2 हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी मॉड ऑफ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2. तो इस तरीके से ये डिस्टेंस आ गई. अब देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ प्रॉब्लम में क्या करना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस. x एक्सिस पे कोई पॉइंट है यानी कि हम कह सकते हैं x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा. सपोज x कोऑर्डिनेट उसका a है,
विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया है 7.6, दूसरा पॉइंट दिया है 3.4, तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट इन दो पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पे है। सपोज ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट बी है, तो ये इसकी डिस्टेंस जो होगी ये बराबर हो जाएगी इसके, ये कंडीशन दी है क्वेश्चन में। यानी कि हम कह सकते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल्स पी बी स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। पी ए यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो पी ए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है ए कॉमा जीरो, तो ये हो जाएगा ए माइनस सेवन स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सिक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर के, ए माइनस थ्री स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फोर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि 14a प्लस ये हो जाएगा 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस टू ए बी माइनस 6a प्लस 16। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 49 प्लस 36 85 माइनस 14a इक्वल्स, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 16 25 माइनस 6a, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 85 माइनस 25 इक्वल्स 14a माइनस 6a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 8a इक्वल्स 60, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/8, यानी कि आपका आ जाएगा 15/2। तो इस तरीके से देखिए इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2, 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप निकालना है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि 0-0 से लाइन पास हो रही है, जो लाइन दी हुई है वो 0-0 से पास हो रही है, मतलब उस लाइन पर 0-0 एक पॉइंट है, 0-0 से पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया है पी 0-4, दूसरा दिया है बी 8-0, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट अगर हम देखें x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, ये मिड पॉइंट होता है अगर आपको दो पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट 0 प्लस 8/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 हो गया एक पॉइंट, दूसरा क्या हो गया माइनस 4 प्लस 0/2 माइनस 4/2 यानी कि माइनस 2। तो अब आपको स्लोप निकालना है उस लाइन का जिसका एक पॉइंट ये है, इसको मान ले अगर x1 y1, दूसरा पॉइंट ये है, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। अब देखिए स्लोप का फॉर्मूला पता है, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो यहां से निकाल लेंगे y2 कितना है यहाँ पे -2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे, ये है 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस यहाँ पे क्या है 0, तो स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी, सॉल्व कर लेंगे -1/2 इसकी स्लोप हो जाएगी।